फ्रेंड्स, इन्फोसिस की ओर से दूसरे क्वार्टर की रिजल्ट डेट और इसके साथ साथ डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट का अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है। और आप देख सकते हो आज ये सिर्फ 1397 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स 52 वीक का इसका लो 1367 है, तो 52 वीक के लो के आसपास ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। और अभी फ्रेंड्स ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमको पिछले 6-8 महीने में बहुत ही भारी बिक वाली देखने को मिली थी, तो इसी वजह से इन्फोसिस का शेयर भी 1900 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था वो नीचे आ गया। और अभी आप देख सकते हो 26 के पी रेशियो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्फोसिस ने जब पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए तो वहाँ पर बहुत ही शानदार गाइडेंस देते हुए ये कहा था कि हमारा बिजनेस 15-16% के दर से इस साल के लिए बढ़ने की उम्मीद है। तो इतनी दिग्गज बड़ी कंपनी में 15-16% की ग्रोथ बहुत ही शानदार मानी जाती है। तो इस वजह से फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति ब्लू चिप स्टॉक में ही सिर्फ इन्वेस्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही शानदार मौका है 2 साल का अगर व्यू रखे तो, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सैलरी है उससे रिलेटेड थोड़े इश्यू हो रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में कोई खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म में जो ये छोटे छोटे इश्यू चल रहे उसकी वजह से जब ये शेयर नीचे मिलता है तो वहाँ पर बाय करके इस शेयर को होल्ड करना चाहिए अगर आपका 2 साल का व्यू है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इन्फोसिस के बोर्ड की मीटिंग 12 और 13 अक्टूबर को है, यानी कि 13 अक्टूबर को इन्फोसिस की ओर से दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई डिविडेंड होगा बोर्ड की ओर से मंजूरी मिलती है तो उसका भी अनाउंसमेंट इन्फोसिस करेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके के इस पर नतीजे आते हैं और शेयर में कितनी जल्दी हमको रिकवरी देखने को मिलती है।